पटना में अपराधी जहां हर रोज एक नई घटना को अंजाम देते हैं, वहीं एक बार फिर राजधानी पटना से बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि राजस्थान से आकर पटना में एटीएम मशीन को काटने की ट्रेनिंग देने वाले गिरोह का सरगना समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताते चले कि गिरफ्तार अपराधी के पास से एक पिस्तल, कारतूस और धारदार हथियार जो है वो भी बरामद किया गया है। बता दें कि ये सभी अपराधी जो है मोटरसाइकिल की लूट की घटना को अंजाम देते थे। इसके साथ ही साथ दिघा आर ब्लॉक सड़क पर गाड़ी लूटने का प्लान बना रहे थे। बता दें कि पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया और दिघा थाना क्षेत्र ने इन सभी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि इन सभी अपराधियों का पूर्व में भी इतिहास रहा है। एटीएम काटने के साथ साथ बहुत सारी चोरी की घटना को भी अपराधी जो है अंजाम देते थे। हम लोगों को सूचना मिली थी, चूँकि काफ़ी समय से कुछ मोटरसाइकिल लूट की घटनाएं हुई थी और इन्हीं वारदातों को रोकने के लिए हम लोग काम कर रहे थे। उसी क्रम में हम लोगों को सूचना मिली कि कुछ अपराधी इकट्ठा हुए हैं, तो पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक नाला है, नाला के पास एक मंदिर है, वहाँ पर हम लोगों ने रेड की। तो रेड करने के बाद वहाँ पर 5 अपराधी पकड़ाए। उन अपराधियों के पास एक 7.65 mm की पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस थे, 6 मोबाइल थे, 2 धारदार हथियार थे और 1 मोटरसाइकिल थी। जब पूछताछ की गई तो पता चला कि कुछ दिन पहले पाटलिपुत्रा थाना में ही एक ATM काटने का प्रयास किया गया था, जिसके संबंध में कुछ अपराधी गिरफ्तार भी हुए थे, लेकिन कुछ अन्य अपराधी बचे हुए थे। तो उन्हीं बचे हुए अपराधियों में से ये अपराधी थे। इनसे अब फर्दर पूछताछ हुई। आगे की पूछताछ के क्रम में ये भी स्पष्ट हुआ कि इन लोगों ने कई थाना क्षेत्रों में मोटरसाइकिल लूट की घटनाएं की थी। रूपसपुर थाना में मोटरसाइकिल लूट किया था इन्होंने, सचिवालय थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल लूट किया था, शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल लूट किया था। उसी क्रम में फिर हम लोगों को सूचना मिली कि इनका एक साथी और है जो फरार है, जो दीघा थाना क्षेत्र में प्रायः हो सकता है, तो देखा जाता है प्रायः दीघा थाना क्षेत्र में। फिर रेड हुई तो एक और अपराधी पकड़ाया, उसके पास से भी एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। तो पता चला कि सचिवालय थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले लूट हुई थी मोटरसाइकिल की, वही मोटरसाइकिल वो बरामद वहाँ से हुई। और हम लोगों ने उस छठवें अपराधी को भी गिरफ्तार किया है, सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। ये लोग प्लानिंग कर रहे थे, कल जब ये इकट्ठा हुए घटनास्थल पर तो वहाँ से इनकी प्लानिंग थी कि जो आर ब्लॉक दीघा नया 6-lane फ्लाईओवर बना हुआ है, उस पर ये मोटरसाइकिल लूट की घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में थे। उसी समय इन लोगों को उस घटना को भी रोका गया और जो अन्य हमारी 4-5 घटनाएं ही मोटरसाइकिल लूट की थी और ATM जो काटने का प्रयास किया गया था, उन सब घटनाओं का अनावरण किया गया। टोटल हम लोगों ने 6 अपराधी गिरफ्तार किए। ATM काटने का प्रयास कब हुआ था? अभी कुछ दिन पहले ही पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में, करीब एक महीने पहले की बात है, जब ATM काटने का प्रयास किया गया था। ये अपराधियों का बैकग्राउंड है, ये लोग पहले भी चल गए हैं, बाकी आपराधिक इतिहास इनका जो क्या है उसकी हम लोग अभी जानकारी जुटा रहे हैं। मुख्य सरगना तो हम लोग नहीं कह सकते हैं, ये आपस में ही सब लड़के हैं और आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। पकड़ा जो अपराधी हम लोगों ने पकड़े हैं, उनमें से एक अपराधी राजस्थान के रहने वाले हैं और राजस्थान के एक क्षेत्र से आते हैं ये, वहाँ से पटना में चूँकि किराए पर ये लोग रह रहे थे सभी अपराधियों के साथ, और पटना के अन्य अन्य जगहों पर इन लोगों ने ATM काटने का प्रयास किया है। ये लोग चूँकि ATM काटने में एक्सपर्ट होते हैं, तो जो ATM काटने के लिए जिस धारदार हथियार का ये लोग उपयोग करते हैं वो भी बरामद किया गया है और इनसे पूछताछ जारी है कि आखिर ATM को किस अब तरीके से इन्होंने ये लोग काटते थे। क्योंकि एक अपराधी राजस्थान के और अन्य अपराधी यहाँ के हैं, तो इस बात से दो राय नहीं है कि आपस में ये लोग प्रशिक्षण का कार्य भी कर रहे थे। ATM काटने में हम लोगों ने बाइक चोर पकड़े हैं और करीब 2 मोटरसाइकिल भी बरामद हैं और 6 लोगों की गिरफ्तारी भी उसमें हुई है।